नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर रियल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से भर्ती निकली है। टोटल पोस्ट हैं 1370। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके सामने है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो आइए चेक कर लेते हैं सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स क्या हैं। ये देखिए, ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं 6 अगस्त 2019 से। लास्ट डेट रहेगी 31/8/2019। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लास्ट डेट का आपने बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि लास्ट डेट पे या तो सर्वर बिजी हो जाता है, कई बार साइट भी क्रैश हो जाती है। तो लास्ट डेट का इंतज़ार ना करें, लिंक स्टार्ट हो चुका है, आप तुरंत अप्लाई करें। उसके बाद जो है देखिए, ऑनलाइन फीस पेमेंट आप करवा सकते हैं 2 सितंबर तक, 2/9/2019। और जो चालान है दोस्तों, ऑफलाइन चालान आप जनरेट कर सकते हैं 2/9/2019 को। और जो चालान है वो जमा करवाने का टाइम है, लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान 4/9/2019 तक आप करवा सकते हैं दोस्तों। तो लास्ट डेट का आपने ध्यान रखना है, बिल्कुल डेडलाइन 31/8/2019। जो एग्ज़ाम है CBT एग्ज़ाम, वो आपका होगा 14/10/2019 से लेकर 18/10/2019 तक। ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स। अब बात करेंगे रिक्रूटमेंट किस चीज़ की है। काफ़ी बड़ा ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, 67 पेज हैं दोस्तों, 67 पेज। तो आइए चेक कर लेते हैं रिक्रूटमेंट के किस पोस्ट के रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है और एज वगैरह क्या है। सबसे पहले है यहाँ पे, ये देखिए नंबर 1 पे पोस्ट का नाम है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन, एज आपकी होनी चाहिए 18 से लेकर 30 साल के बीच में। अब टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एक पोस्ट है। उसके बाद जो सेकंड है दोस्तों, नंबर 2 पे जो पोस्ट है वो है सीनियर कंजर्वेशन असिस्टेंट। हायर सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए, एज 18 से 30 के बीच में। नंबर ऑफ पोस्ट जो है आप इसी तरह से लास्ट में जाके चेक कर सकते हैं 1 बाय 1। तो इसकी जो है 9 पोस्ट हैं दोस्तों, 9 है टोटल। और नंबर 3 पे पोस्ट है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन। उसके बाद है ब्लैक स्मिथ की, 10वीं पास होना चाहिए दोस्तों, मेट्रिकुलेशन, एज 18 से 27 तक। इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन तीन प्रकार की पोस्ट हैं। तो रिगार्डिंग जो भी पोस्ट आपकी, आप चेक करें आराम से ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और जब आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैच हो तभी आप अप्लाई करें, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जो है दोस्तों, जैसे प्रूफ रीडर है, प्रूफ रीडर के लिए इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है यहाँ पे। उसके बाद साइंटिफिक असिस्टेंट है, इसके लिए भी इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है। काफ़ी पोस्ट ऐसी हैं जो मैट्रिक बेस की हैं, जैसे यहाँ पे है मैट्रिकुलेशन है, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए जो है मैट्रिकुलेशन की पोस्ट है, एज 18 से लेकर 25 साल के बीच होनी चाहिए। तो हर एक पोस्ट जो है आप रीड कर लेना वीडियो को पॉज करके अच्छी तरह से, क्योंकि काफ़ी पोस्ट हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं ये, और हर एक डिटेल बताने में तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए किसी भी प्रकार की। अब देखिए, जैसे यहाँ पे है टेक्निकल ऑपरेटर की है, ड्रिलिंग के लिए, इसकी भी मेट्रिकुलेशन है। हायर सेकेंडरी यहाँ पे मांग रखा है इन्होंने वेटरनरी कंपाउंडर के लिए। तो इस तरह से जो हायर सेकेंडरी यहाँ पे मांग रखा है इन्होंने, लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। तो आप चेक करें और उसके बाद आप आराम से अप्लाई करें। अब बात करते हैं फीस वगैरह, एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहेगा, एज की छूट है या नहीं है। तो नियमानुसार जो जो रूल एंड रेगुलेशन है हम उनको चेक कर लेते हैं। आपने अप्लाई कैसे करना है, उससे पहले जो है दोस्तों हम चेक करेंगे कि नॉर्थ के जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कहाँ कहाँ पे हैं। ये है नॉर्थ के एग्ज़ाम सेंटर, नॉर्थ रीजनल, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड के लिए दोस्तों। तो ये नॉर्थ के हैं, यहाँ पे ये ऑफिस है, रीजनल ऑफिस, रीजनल डायरेक्टर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक नंबर 12, CGO कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, नई दिल्ली। यहाँ पे आपको पता है कि ये एड्रेस है यहाँ पे। और इसी तरह से एग्ज़ाम सेंटर का जब आप अप्लाई करें तो अच्छी तरह से चेक करके, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न की अगर हम बात करें तो जैसे चंडीगढ़ में है, नीरेस्ट हरियाणा की अगर हम बात करें, तो जब आप अप्लाई करें CBT एग्ज़ाम के लिए तो आप अच्छी तरह से एग्ज़ाम सेंटर को चेक करके प्रॉपर तरीके से उसके बाद आप अप्लाई करें दोस्तों। उसके बाद जो है इसके अंदर मेन चीज़ ये है कि आपने अप्लाई कैसे करना है इसको ऑनलाइन। आपने एप्लीकेशन फ़ीस का यहाँ पे जिक्र है, सबसे पहले 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है, ये देखिए सिर्फ 100 रुपये है दोस्तों। और फीमेल कैंडिडेट के लिए, फीमेल कैंडिडेट SC ST फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस नहीं है। मैं रिपीट कर देता हूँ दोस्तों, 100 रुपये फ़ीस है वैसे तो, लेकिन फीमेल कैंडिडेट के लिए, SC ST के लिए, फिजिकल हैंडीकैप के लिए और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। उसके बाद है ऑनलाइन आप फीस की पेमेंट करवा सकते हैं।
एसबीआई चालान से भी आप फीस की पेमेंट करवा सकते हैं। अगर हम ऑनलाइन बात करें तो नेट बैंकिंग से या डेबिट क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करवा सकते हैं, और एसबीआई चालान से भी आप उसकी पेमेंट करवा सकते हैं फीस की। अप्लाई आपने ऑनलाइन करना है दोस्तों, ये लिंक है ssc.nic.in, इस साइट पे जाके आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात अगर हम करें, अपर एज लिमिट में छूट है नियमानुसार एज पर गवर्नमेंट रूल। एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट है, ये देखिए यहाँ पे। ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है। फिजिकल हैंडीकैप के लिए 10 साल की। फिजिकल हैंडीकैप ओबीसी से हैं तो 13 साल की छूट है। फिजिकल हैंडीकैप एससी एसटी हैं तो 15 साल की छूट है। एक्सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट है नियमानुसार। जे एंड के केस में कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट है दोस्तों। तो ये कोरस्पॉन्डिंग जो भी डिटेल है ये आप चेक कर सकते हैं आराम से, काफ़ी डिटेल में इन्होंने यहाँ पे सारी चीज़ें बताई हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, और नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें बाकायदा, तो उसको भी हम चेक करेंगे। यहाँ पे है स्कीम ऑफ एग्ज़ाम, ये देखिए स्कीम ऑफ एग्ज़ाम में रहेगा जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर होगा। जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे दोस्तों और मार्क्स रहेंगे 50। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन 50 नंबर की आएगी। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन होंगे, 50 नंबर की आएगी। और नेगेटिव मार्किंग का बिल्कुल क्लियर कट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो 0.5 की जो है नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों, इसके अकॉर्डिंग आपने तैयारी करनी है अच्छी तरह से। तो मैट्रिक बेस का एग्ज़ाम है, उसका लेवल भी मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे मैट्रिकुलेशन लेवल है दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस, तो लेवल यानी कि जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे इन्होंने इस चीज़ को ये बताया है। तो दोस्तों ये था कंप्लीट ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी की तरफ से 1370 पोस्ट के रिगार्डिंग। मैं उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है तो आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें दोस्तों। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।